Hello everyone, here we are going to solve question number 6 of exercise 5.2. The question is, in the given figure below, decide whether L is parallel to M. We have to find that L is parallel to M. अगर L M के parallel है तो क्यों है और कैसे है, हमें ये बताना है इन figures में. We have to find out. तो अगर आप देखें यहाँ पर, ये दोनों लाइन, दोनों एंगल्स क्या हैं, 126 एंड 44. अगर आप देखें, अगर ये मान के चलें कि दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसका सम करें, तो सम करने पर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना. अगर इसका सम करते हैं तो 180 आना चाहिए. अगर इसका सम 180 नहीं आता है इंटीरियर एंगल्स का, तो दैट मीन्स दे दीज बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल. सो लेट्स चेक इट आउट. तो हमने देखा कि जब हमने 126 डिग्री प्लस 144 को ऐड किया तो हमारे पास आया 170 डिग्री. दैट मीन्स देयरफॉर एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है. तो एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है, ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज, यू कैन सी हियर द ट्रांसवर्सल लाइन एंड दीज टू लाइन एल एंड एम. हमें इसमें भी पता करना है कि दोनों पैरेलल है कि नहीं है. अगर आप ये वाली लाइन देखें, इंटरसेक्शन वाली लाइन, तो अगर आप देखें यहाँ पर 75 डिग्री एंड यहाँ पर 1 है, और ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री. रीज़न क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है. अब ये हो गया 75, और यहाँ पर भी देखें आप तो ये भी 75, और सेम लाइन पर हैं, सेम साइड हैं, और इन दोनों लाइंस के बीच में है, दोनों लाइन L और M के बीच में है. तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो हाउ मच वी विल गेट, 10 150, ठीक है. तो 10 ये हो गया, यहाँ पे कैरी 1, तो 7 + 7 = 14 एंड 115, तो ये आया 150 डिग्री. दैट मीन्स लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल्स टू 180. Now moving to next one. This is line L and M. Now look here. This is the transversal line N. अगर आप देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग एन अल्टरनेट एंगल, जिसकी वजह से लीनियर पेयर बन रहे हैं. दे दोनों क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे बोथ आर फॉर्मिंग द लीनियर पेयर, बिकॉज दे आर अल्टरनेट टू ईच अदर. 57 और 1 क्या है, दे बोथ आर अल्टरनेट, दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. अगर हम इसको प्लस करते हैं, एंगल 1 कितना हो जाएगा आपका, एंगल 1 प्लस 57 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या रीज़न है इसका, लीनियर पेयर, बिकॉज दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. तो यहाँ से जब हमने प्लस इसको सॉल्व किया, 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो देन व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट देम. 180 डिग्री माइनस 57, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 123 डिग्री. तो ये आ गया आपका 123 डिग्री. और अगर 123 और 57 को आप ऐड करते हैं, 123 डिग्री प्लस 57, तो आप देखेंगे 180 आएगा. 180 आ रहा है, दैट मीन्स द बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, एल इज पैरेलल टू एम, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल थे, जिसकी वजह से इन्होंने लीनियर पेयर फॉर्म किया था, एंड इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री. इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. नाउ द फोर्थ पार्ट इज, यहाँ पर आपको लाइन L और M दिया हुआ है, दिस इज़ योर ट्रांसवर्सल लाइन N. तो यहाँ आप देखें, दिस इज़ योर 72
ठीक है, ये आपका 72 है डिग्री एंड दिस इज़ 1। तो आप देखें ये लाइन क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में दोनों एंगल्स को देखें, 72 और 98 को, तो क्या ये इंटीरियर एंगल है। तो अगर मैं देखूँ 98 डिग्री और प्लस 72 डिग्री, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 170 डिग्री। ये 180 डिग्री फॉर्म नहीं हुआ है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीज़न आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीज़न हो जाएगा देयरफॉर लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, तो M के पैरेलल नहीं आई है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके।